हिसारन के से बीजेपी विधायक और राज्य मंत्री का दर्जा हासिल कर चुके चेयरमैन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस डॉक्टर कमल गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, कांग्रेसियों की एकजुटता, कांग्रेसी दिग्गजों की एकजुटता दिखाने के लिए एक बस में सवार होने का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया था, गुरुग्राम से ये बस निकलती है, लेकिन ना उसमें कुलदीप बिश्नोई पहुंचते हैं, ना उसमें रणदीप सुरजेवाला पहुंचते हैं, ना कुमारी शैलजा उस बस में बैठती है और ना ही नवीन जिंदल उस बस में बैठते हैं। ऐसे में ये कैसी एकजुटता? एकजुटता कहाँ से आएगी? कोई पार्टी हो तो उसमें एकजुटता हो। जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस विरासत पर चली, जबकि उस कांग्रेस में पूरे देश के लोग थे, लेकिन कांग्रेस को, जैसा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को तोड़ दो, लेकिन कांग्रेस को तोड़ा नहीं गया और गलत विरासत का नाम लेकर कांग्रेस इस देश में चली और उसके बाद अनेक विघटन हुए। फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस कामराज, कांग्रेस तिवाड़ी, कांग्रेस शरद पवार, इस तरह से जो जो भी नाम चलते रहे उनके नामों से कांग्रेस जो है वो फलती फूलती रही, या मैं ये कहूं कि एक नाम लेने को नाम चलता रहा। आज कोई कांग्रेस है नहीं, तो मैं समझता हूं कि ये सब जो इन्होंने ये सोचा था कि इकट्ठा चलेंगे, जिनका एक नेचर नहीं, जिनका एक विचार नहीं, वो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? कोई एक विचारधारा ही नहीं है तो कैसे इकट्ठे चलेंगे? कुछ कांग्रेसी दिग्गज इस बस में चढ़ चुके हैं, पूरे हरियाणा का दौरा भी करेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस प्रकार से इस देश की जनता ने रेल के डब्बे में चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया और उसने अपने पूरे 5 साल का जो कार्य किया, लेकिन ये चाय बेचने वाला अब चौकीदार बन चुका है। अब चौकीदार भी एक हिस्सा है देश का, उसके बनने में भी कोई इतराज नहीं है। चौकीदार भी आफ्टर ऑल एक जीता जागता इंसान होता है। तो आपकी पूरी सरकार चौकीदार हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, पहले भी थी और आज भी है जी। मैं समझता हूँ कि आज जो मोदी जी के 5 साल की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो किसान को लेकर है, चाहे वो असंगठित मजदूरों को लेकर है, चाहे वो हमारी बहनों के लिए है, चाहे वो देश के जवान के लिए है, चाहे वो देश की जनता के लिए है, चाहे वो गरीबों के लिए है, चाहे वो महिलाओं की उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, अनेक प्रकार की जो बातें हैं, इन बातों पर मोहर लगा रहे हैं। इन बातों पर जो मोहर लग रही है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो जजप्पा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अजक्का हो, सब टूट टूट कर जो लोग देश की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं वो इस तरह की बहती गंगा जो भारतीय जनता पार्टी में, उसमें आ रहे हैं और बड़ी दिलेरी से आ रहे हैं। और बहुत इंडियन नेशनल लोकदल नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने भी इस्तीफा दे दिया, हरियाणा विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष के पास से इस्तीफा। कोई विकल्प ही नहीं था उसके पास, मंजूर हो गया। उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। जब वो 19 विधायकों को साथ लेकर नेता प्रतिपक्ष बने थे तो आप देख रहे हैं कि लगभग 6 विधायक उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं और छोड़ने के प्रोसेस में हैं। तो बाकी भी संपर्क में है, आस्ता आस्ता आप देखिए ना, समय बताएगा आपको। चलिए एक भविष्य पे सवाल कर लेता हूँ, जननायक जनता पार्टी का भविष्य, इंडियन नेशनल लोकदल का भविष्य और हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य, क्या बताऊं मैं? ये तो बड़ी हास्यपद बात हो गई। और भविष्य कोई नहीं है, नजर आ रहा है सबको। आप वो बात पूछिए जो किसी को नजर ना आए, हमें नजर आए, ये तो देश के जन जन को नजर आ रही है। चलिए साफ तौर से विरोधियों पर हमला बोलते हैं यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता नजर आ रहे हैं और सिर्फ भाजपा भाजपा और भाजपा चुनावी रण के बाद बचेगी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।